यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपसे पुनः निवेदन करूंगे कि हमारे मध्य माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से करें और मंचासीन माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत अपने कर कमलों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं श्री वेदव्रत सिंह जी से कि अपने कर कमलों द्वारा मुख्य सचिव महोदय जी का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन। और पुनः निवेदन करूंगी कि मंचासीन अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का स्वागत पुष्प कलिका के माध्यम से करें। स्वागत, अभिनंदन। हमारी भारतीय परंपरा ये सदैव कहती है, प्रेरित करती है कि किसी भी शुभ कार्य का कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर है। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी मंचासीन गणमान्यों से ये अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धार्थम सर्व कार्ययम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम। ये प्रकाश, ये दीपक है उत्तरोत्तर प्रगति का, स्वास्थ्य की दिशा में प्रकाश की ओर का। आप सभी का पुनः मंच पर स्वागत, अभिनंदन है। मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज का ये ऐतिहासिक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम जिसमें आप में से 310 चिकित्सा विशेषज्ञ और 15 BSL2 लैब्स का जो हमारा एक ही साथ का कार्यक्रम है और इससे जुड़े हुए BSL2 के अन्य चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं। इसमें उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ में बैठे हमारे सहयोगी अतुल गर्ग जी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, मुख्य सचिव तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद जी और उपस्थित सभी चिकित्सक विशेषज्ञ और मीडिया के बंधु। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार हर चीज जो हम करते हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर करते हैं और प्रयास हमारा रहता है कि पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर अपने आप को साबित करने के लिए। इसलिए एक बहुत लंबी समस्या को देखते हुए और कोविड मैनेजमेंट के बाद, कोविड की वैश्विक महामारी के बाद जो प्रौद्योगिकी व्यवस्था हमने की उसका सराहना, उसको पहली बार कई प्रकार के हमने अलग अलग तरीका ढूंढे और पहली बार उसका नियंत्रण जिस तरह से हमने किया उसका एक मिसाल बना पूरे देश के अंदर। और उससे हमने जैसे जैसे आगे बढ़ के अपनी सुविधाएं को बेहतर करने का प्रयास किया, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के अस्पतालों का आधुनिकरण किया, उपकरण कराए, स्पेशलिस्ट की तैयारियाँ की, उसी के अवसर पर हमने आप जैसे विशेषज्ञ को भी एक नियमावली बना के, एक केडर बना के लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों का चयन करने का एक व्यवस्था किया। और आज उसको भी लेके और हमारे साथ जो निरंतर हम जो टेस्टिंग की क्षमता अपने आप को बढ़ाने के लिए
जो आज मार्च 2020 में मात्र 70 टेस्टिंग की क्षमता थी हमारे केजीएमयू के एक लैब से, आज 4 लाख प्लस के ऊपर का हमारा टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन की है। और इसी श्रृंखला में कि ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि हर एक जिला में हमारा एक BSL-2 लैब लगेगा, इसी श्रृंखला में आज हमारा 15 लैब और आज जुड़ रहे हैं और 15 और हमारे जो बाकी रह जाएंगे वो भी बहुत जल्दी उसको भी हम लगा देंगे। तो एक अच्छा एक ये व्यवस्था दिया जा रहा है। आप अलग अलग एरिया से आके आपने हमारे चिकित्सा विभाग में अपने आप को ज्वाइन किया है और हमारी उम्मीद है कि जो जिस समस्या से हम जुड़ते थे, जिस समस्या से हम जूझ रहे थे, वो आज आपके आने से काफ़ी कम हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और आपने स्वयं देखा होगा कि जिस पारदर्शिता के साथ में लोक सेवा आयोग के आने के बाद जिस तरह से आपकी काउंसलिंग कराया गया और आप स्वतः, मैं स्वयं आप लोगों के बीच में बैठा भी था और आपने देखा भी था कि जिस तरह से आपने स्वयं अपना चयन उन जनपदों में उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना किसी हिचक के, बिना किसी दिक्कत के आपने दिया, ये एक नया तरीका, एक नया पहल उत्तर प्रदेश में किया गया है जिससे हमारे स्वास्थ्य सेवाएँ और ज़्यादा बढ़ सकें। लंबी श्रृंखला है और बहुत सारा अभी हम लोग को काम आगे भी करना है। आप जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी निरंतर हमारी लैब की क्षमता भी बढ़ते रहेगी, उससे हम बहुत सारी चीज़ आगे कर भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम सबका एक सहयोग है और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि इस 2017 से लेकर अभी इस 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर दिशा निर्देश में स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी प्रगति भी किया है और आगे भी हम लोग प्रगति कर पाएंगे। मैं इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। संक्रामक रोगों के सही उपचार के लिए यह आवश्यक है कि रोग का सही निदान सही समय पर कर लिया जाए। COVID-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा हेतु संरचनात्मक ढांचे में गुणात्मक वृद्धि की गई। इसी दिशा में प्रयास करते हुए आज 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जाएगा। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने शुभ करकमलों से बटन दबाकर इन 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण करें। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया जा रहा है उनके नाम अमरोहा, बागपत, भदोही, चंदौली, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, मुजफ्फरनगर, शामली, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, रामपुर, संभल, पीलीभीत एवं फरुखाबाद है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि इन 15 BSL-2 लैब से जो हमारे बीच जुड़े हुए वहाँ के अधिकारीगण हैं वो जूम के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और जूम के माध्यम से हमारे साथ हैं। उन सभी का भी अभिनंदन करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया, BSL-2 प्रयोगशालाओं के महत्व व राज्य सरकार की अन्य पहल पर एक लघु फिल्म हम सबके मध्य है। मैं निवेदन करूंगी सभी मंचासीन गणमान्यों से तथा आप सभी से कि एक दृष्टि इस पर प्रेक्षित कर हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। इन स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य इकाई पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रसव हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञ आदि। परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमावली में केवल MBBS चिकित्सकों की ही सीधी भर्ती का प्रावधान है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में यदि किसी विशेषज्ञ ने संयोगवश आवेदन कर दिया
तो विभाग में केवल उन्हीं के सहयोग से प्रदेश में विशेषज्ञ सेवाओं को प्रदान कर रहा था, जिसके कारण प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी रहती थी। वर्तमान सरकार ने समस्या को खत्म करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों एवं आम जनमानस के साथ विचार विमर्श कर दिसंबर 2020 में विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रत्यक्ष एवं लक्षित नियुक्ति के लिए पीएमएचएस केडर के नई सेवा नियमावली को मंजूरी दी। और आज उस ऐतिहासिक निर्णय के कारण प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती प्रारंभ हो रही है। विशेषज्ञ चिकित्सक MBBS डॉक्टर की तुलना में 3 वर्ष अधिक अध्ययन करते हैं, अतः नई सेवा नियमावली में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 1 स्केल बढ़ाकर नियुक्ति की जा रही है। सभी आशंकाओं को दूर करते हुए इस नियमावली के तहत विज्ञापित पदों पर भारी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आवेदन किया और लोक सेवा आयोग द्वारा 1200 से ज्यादा चिकित्सकों का चयन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पीएमएचएस संवर्ग सेवा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती की जा रही है। सरकार द्वारा नई भर्ती विशेषज्ञ चिकित्सकों को पहली पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। विभाग ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के सहयोग से काउंसलिंग सत्र को आयोजन किया, जहां डॉक्टरों को योग्यता के आधार पर पोस्टिंग का स्थान चुनने का अवसर दिया गया। आज इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रथम चरण में नियोजित चिकित्सकों में से 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश ने सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाओं में एक इतिहास रचा है, जिसके अंतर्गत निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के चलते लगभग 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन किया गया है, जिसके फलस्वरूप आज प्रथम चरण में 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें, आवंटित करें। सर्वप्रथम डॉक्टर चंदर सिंह, डॉक्टर चंदन सिंह, जनपद भदोही में आपकी नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में हुई है और तालियों का सिलसिला लगातार बजते रहना चाहिए। डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, जनपद भदोही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में नियुक्ति आपकी। डॉक्टर स्वाति पाठक, चित्रकूट जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में आपकी नियुक्ति। डॉक्टर शिप्रा कुमारी पांडे, देवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी। डॉक्टर अतुल कुमार राजपूत, हमीरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा। डॉक्टर अलका सागर, कौशाम्बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू। डॉक्टर आकृति, कुशीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया। डॉक्टर शांति विजय मिश्रा, महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल। डॉक्टर शिव शंकर गुप्ता, संत कबीर नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा। तालियों का सिलसिला, जोरदार तालियों का सिलसिला चले, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर मीनू आनंद, सिद्धार्थ नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़। डॉक्टर कविता चौधरी, बहराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रयागपुर कोट बाजार।
डॉक्टर राजीव पांडे भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग, डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह यादव हमीरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ, डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरेंदा एट बनकटी, डॉक्टर शिल्पी रावत सिद्धार्थ नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार, और डॉक्टर नीरज सिंह राजपूत ललितपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालविहट। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट व दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और पारदर्शी कार्यनीति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाई प्राप्त हुई है, जिन्होंने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी, ऐसे ही अभिभावक स्वरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें तथा नए चिकित्सकों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों में से 300 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम ता 15 BSL की प्रयोगशालाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी नवनियुक्त चिकित्सकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को जो अलग अलग जनपदों में जाकर के शासकीय सेवा के माध्यम से जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित होने और शासकीय सेवा में उन्हें जाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक काफी कम संख्या में थे, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया और जो विभाग की नीति थी उसके तहत केवल MBBS चिकित्सकों की ही नियुक्ति यहां पर होती थी। अगर कोई विशेषज्ञ चिकित्सक आ भी जाता था तो अलग से उनके लिए कोई प्रावधान न होने के कारण वह जिस सम्मान का हकदार होना चाहिए था वह उसे नहीं प्राप्त हो पाता था। और अक्सर जब भी समीक्षा होती थी विभाग में, मैं अक्सर इस बात को कहता था कि अलग अलग विषयों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको भी समाहित करते हुए उनके अनुरूप जो सेवाएं होनी चाहिए
उसके अनुसार उन्हें तैनाती भी मिलनी चाहिए। अंततः शासन स्तर पर विभाग के इस नीतिगत निर्णय में व्यापक संशोधन किए गए और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की व्यवस्था पहली बार उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर प्रारंभ हुआ है और जिसमें 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को भी बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। मेरा ये मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि का से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का और उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में और लोग उसकी पूजा करते थे, वह अपनी अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने चिकित्सकों ने उसको खोया है। लेकिन आज जब शासन ने केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ करके प्रत्येक उस जरूरतमंद व्यक्ति को जो पहले बीमार होता था तो मान लिया जाता था कि अब वह उसके लिए एक असाध्य बीमारी असाध्य हो गई है, आज उसे 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। कमोबेश एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित हुई है। दूसरा, प्रदेश के अंदर हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने भी चिकित्सा केंद्र हैं इनमें मुफ्त में चिकित्सा सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होती है, यानी एक बड़ी आबादी जब निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रही है तो उस प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव हर एक स्तर पर हम लोगों को देखने को मिलता था। और ये कौन भूल सकता है, पूरी दुनिया पिछले 18-19 माह से कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। इस कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा हर एक स्तर पर सतर्कता बरती गई, लेकिन एक बड़ा तबका मेडिकल क्षेत्र का ऐसा था जिसमें हमारे चिकित्सक थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिन लोगों ने अपनी जान की जोखिम को ध्यान में रखते हुए भी कि संक्रमण की चपेट में भी आ सकते हैं, उस सब के बावजूद उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो कार्य किया सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई और उत्तर प्रदेश ने जो परिणाम दिए वो तो और भी चौंकाने वाले अच्छे परिणाम थे, जिस पर सर्वत्र और एक स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सराहना की, देश के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों ने भी इसकी सराहना की और दुनिया के भी तमाम देशों ने और WHO ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश से बेहतर परिणाम देने में इसलिए सफल रहा क्योंकि हम लोगों ने यहां पर जिस प्रकार से कोरोना प्रबंधन के लिए अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से चिकित्सकों, कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स और अलग अलग विभागों ने मिलकर के एक संयुक्त अभियान जो चलाया उसके बेहतर परिणाम सामने आए, जिसमें आंगनबाड़ी भी थी, आशा वर्कर भी थी, ENM भी थी, चुने हुए जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, पार्षद, ये सभी लोग मिलकर के उस अभियान के साथ जुड़े थे।
परिणाम हमारे पक्ष में आया और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश उस स्थिति में है। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिला था, तो हमारे पास यहाँ पर जांच की कोई सुविधा नहीं थी, हमें सैंपल लेकर के NIB पुणे भेजना पड़ा था। मरीज के उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं थी, मरीज के उपचार के लिए हमें सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अपने पास रखता है, यानी 0 से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता एक सामान्य बात नहीं थी। कोरोना कालखंड में जब सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी, तब हम लोगों ने इस सुविधा को यहां पे पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। इसमें PM केयर से भी पैसा लिया गया, राज्य सरकार ने भी पैसा दिया, CSR से भी पैसा आया, तमाम अन्य लोगों ने, संस्थाओं ने भी इसमें सहयोग किया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख टेस्ट की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। जिस उत्तर प्रदेश में कोरोना जिस समय आया था, उस समय 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिसमें ICU का एक भी बेड नहीं था, आज हमारे सभी 75 जनपदों में गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास ICU बेड्स मौजूद हैं। हमारे पास वहां पर हर एक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है और हम Level 1, Level 2 और Level 3 की लगभग 1,80,000 बेड्स हम लोगों ने कोविड उपचार के लिए प्रदेश के अंदर तैयार करके रखे हुए हैं। हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमारे पास HNMC भी है, हमारे पास और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। और सेकेंड वेव में जब हमारे सामने ऑक्सीजन की क्राइसिस आई, तो हर एक जनपद को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी जनपद को ऑक्सीजन के लिए किसी दूसरे के सहारे न रहना पड़े, हम लोगों ने पिछले 6 महीनों के अंदर, आप आश्चर्य करते होंगे, 518 ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए हैं। ये 518 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता में के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। अभी 31 ऑक्सीजन प्लांट हमारे और लगने जा रहे हैं, यानी हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज BSL 2 की लगभग 15 नई लैब्स अन्य जनपदों में भी प्रारंभ हो रही है। हम सब जानते हैं कि हमने जो एक प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, हम लोगों ने कोरोना का सामना तो किया ही, लोग कहते थे जब सेकेंड वेव अभी समाप्ति नहीं हुई थी तो मीडिया में आशंका आने लगे थर्ड वेव आके रहेगी, हम लोगों ने उसी समय उसकी प्लानिंग कर ली थी। हमने कहा थर्ड वेव यूपी में नहीं आएगी, अब हम उसको पहले ही नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास था अपनी टीम पर, हमें विश्वास था अपने चिकित्सकों पर, हमें विश्वास था अपने हेल्थ वर्कर्स पर, हमें विश्वास था उन कोरोना वॉरियर्स पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ कार्य किया, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। थर्ड वेव दुनिया के विकसित देशों में आई है, अमेरिका में आई है, UK में है, यूरोप में है, चीन के अंदर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन उस सब के बाद जो सतर्कता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है और उन सब के लिए हमें सबको तैयार रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि 15 जनपदों ने अपने यहां BSL 2 की जो लैब्स तैयार की हैं, ये न केवल कोरोना के जांच में, बल्कि मैं देख रहा था कि जब अभी हाल ही के दिनों में कुछ जनपदों में डेंगू से जुड़े हुए और जीका वायरस से जुड़े हुए मामले देखने को मिले थे, तो हमारी इन लैब्स ने भी उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया था, बड़ा अच्छा सपोर्ट स्थानीय स्तर पर प्राप्त हुआ था और ये निरंतर लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक लंबे समय के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना के बहाने ही सही प्रदेश के अंदर क्रिएट हुआ है। उत्तर प्रदेश
जिससे लोग उम्मीद पहले नहीं करते थे कि उत्तर प्रदेश इतना बेहतर रिजल्ट दे पाएगा, आज धीरे धीरे हर एक फील्ड में हम लोगों ने बेहतर परिणाम दिए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जितने चिकित्सक आए थे, आज 310 चिकित्सक यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। इसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इसमें जनरल सर्जन भी हैं, इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, इसमें हर एक फील्ड फिजिशियन भी हैं। यानी पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी कल्पना केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक दो कोई मिल जाए तो उसकी तो वहां तक सीमित थी, लेकिन अब यह भी हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार की एक सुविधा को राज्य सरकार ने खोला है। और केवल वहीं पर नहीं, अभी तो हम लोग प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में भी जितना बेहतर प्रयास कर रहे हैं आप अनुमान कर सकते हैं उत्तर प्रदेश ने मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में कितना कार्य किया। 1947 से लेकर 2017 तक, यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, गवर्नमेंट सेक्टर में 12 मेडिकल कॉलेज। और आज 2017 से लेकर के 2021 के बीच में, यानी 4.5 वर्ष में हमारी सरकार भारत सरकार के सहयोग से 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रही है, 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि आज उत्तर प्रदेश मेडिकल के एक नए हब के रूप में आगे बढ़ा है। ये मेडिकल कॉलेज 2019 में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ किए, वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, उनका एक तीसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में हम लोग 9 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हाल ही में सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री जी ने उन 9 मेडिकल कॉलेजेस को शुभारंभ किया, नए सत्र के लिए एनएमसी से उनकी परमिशन लेकर के उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। हमारे शेष 17-18 नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, वर्तमान में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है 2022 के सत्र में हम वहां पर एमबीबीएस की प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब मैं देवरिया गया था, देवरिया का मेडिकल कॉलेज भी इस सत्र में प्रवेश के लिए प्रारंभ हो चुका है, उसकी परमिशन मिल चुकी है। तो मैंने उस समय वहां पूछा, मैंने कहा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर के हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की अपनी बिल्डिंग बन चुकी है, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, फैकल्टी कम दिखाई जा रही है। एनएमसी की टीम आई, उन्होंने कहा फैकल्टी कम है। तो मैंने कहा जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं ये लोग कहाँ हैं? तो कहा गया साहब यहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती नहीं होती। तो मैंने कहा फिर कहाँ तैनाती होती है, उनकी गिनती नहीं थी। फिर हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में संशोधन किया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़े पैमाने पर ये नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये न केवल चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए बल्कि प्रदेश के अंदर जो नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग प्रदेश के अंदर 59 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। 16 जनपद अभी हमारे बचे हुए थे, इन 16 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर एक नया व्यवस्था वहां पर लागू की है कि वहां पर भी हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और वहां पर पीपीपी मोड पर हमारे मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हमारा ये मानना है, एनएमसी ने इस बात की सहमति दी है कि अगर विशेषज्ञ चिकित्सक है और वह नया बनने वाला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, शासन की पॉलिसी का पार्ट है, तो इन्हें फैकल्टी के रूप में भी आप वहां पर नामित कर सकते हैं। और इससे मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग बनने वाले मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी के रूप में भी बाद में वहां पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। न केवल उसमें आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आपको यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नियुक्ति देते समय एक सामान्य एमबीबीएस चिकित्सक की तुलना में एक ग्रेड ऊपर पहले से दिया गया है, और धीरे धीरे करके आपके लिए आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाओं को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब आप सबको उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी के तहत
विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य के विभाग में शामिल होने के लिए जहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए कार्य कर रहा है, इस बड़े परिवार के साथ आप जोड़ने के लिए आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। आप सबसे उम्मीद करूंगा, आपने देखा होगा कि आपकी प्रायोरिटी को सरकार ने ध्यान में रख करके नियुक्ति की प्रक्रिया हो या फिर तैनाती की प्रक्रिया, उसका पूरा ध्यान दिया है, हर एक स्तर पर उसको सम्मान किया है। आप जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, आपका वास्ता पड़ेगा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से, और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की दुआ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप उसकी दुआ ले पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और आपको करना चाहिए। उन्हें कहीं भी आपके कार्य से निराशा न हो। मैंने इस बात को देखा है, मैं यहां पे भी देख रहा था, जो डॉक्टर आए इसमें तो गोरखपुर के लोग ज्यादा आए हैं चुनाव उसमें चयन होकर के, और उनका चयन ज्यादा हुआ है वो सभी जनपदों में जा रहे हैं। गोरखपुर से ही जो जने हैं, कुशीनगर में भी उनकी नियुक्ति हुई है, महाराजगंज में भी, सिद्धार्थनगर में भी, संत कबीर नगर में भी, बस्ती में भी, बहराइच में भी। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तैनाती जहां हुई है हम वहां पर किसी भी व्यक्ति को निराश न होने दें। याद रखना, डॉक्टर जितना अधिक पेशेंट देखेगा, संख्या सीमित मत रखिए, आपके पास एक नया एक्सपीरियंस आएगा, एक नया अनुभव, आपको प्रत्येक मरीज में एक नया अनुभव देखने का अवसर प्राप्त होगा, एक नया अनुभव देखने को प्राप्त होगा, और उस अनुभव का लाभ लेने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारी एक आदत खराब हो जाती है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके बाद फिर ना आगे की संभावनाओं को रोक देते हैं, और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे चिकित्सक हैं वो उस फील्ड में काम ही नहीं करते हैं। यद्यपि समय समय पर आपकी सीएमई होती रहती है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी, गवर्नमेंट सेक्टर से भी इस प्रकार की आयोजन होते हैं, अगर चिकित्सक अपडेट नहीं है तो वह नई चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा। आम जिनके विश्वास को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा, और अगर विश्वास नहीं जुड़ा है तो दुआ नहीं, बहुत दुआ ज्यादा लगती है। व्यक्ति सर्विस इसलिए करता है, किसी फील्ड सेवा के फील्ड में इसलिए आता है कि हम लोगों की दुआओं को अपने साथ जोड़ सके, आम जनमानस की, पंता नहीं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस रूप में लगे उसको अपने साथ आधिकारिक रूप में जोड़ सके और उसके लिए तैयार कर सके। और मुझे लगता है कि आपके लिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हर एक केस पर अपने लिए एक नया रिसर्च पेपर लिखने की व्यापक संभावना होती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं चिकित्सक नहीं, और चिकित्सक नहीं था, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया गोरखपुर में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मैं अक्सर भ्रमण करता था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के कारण। मैंने वहां पर अपनी आंखों से मरीज को भर्ती होते हुए देखा है, वहां पर उन लोगों को मेडिकल कॉलेज से जाते हुए भी देखा है, स्वस्थ होते हुए भी देखा है, अच्छे और बुरे परिणाम को बहुत नजदीक से मैंने देखा है, और फिर वहां पे जो कमियां होती थी उसी कमी को ध्यान में रख करके मैंने अपने स्वयं मंदिर कैंपस में एक हॉस्पिटल स्वयं प्रारंभ किया, जो सरकारी सेक्टर में उस समय सरकारें विरोध की थी तो विरोधी सरकारें नहीं करती थी, तो जो कमी वहां बाहर थी उस कमी को दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने एक अपना ट्रस्ट की तरफ से एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया, और मैं प्रयास करता था एक एक बेड में मरीज को स्वयं जाके देखता था, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जाके देखता था मरीज, केवल मैं यही 2-3 प्रश्न में पूछता था, आप कहां से आए हैं, कौन डॉक्टर देख रहा है, परेशानी क्या है, कुछ आप में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
कहते 3-4 प्रश्न में पूछता था, मैं देखता था कि उसकी जो साइकोलॉजी थी मरीज की वो बदलती हुई दिखती थी, उसमें एक नया विश्वास भरता था। और फिर मैं उन चीजों को नोट करता था कि भाई किस पेशेंट की क्या समस्या है, कौन डॉक्टर कैसा काम कर रहा है, सारी जानकारी मेरे पास होती थी। फिर मैं 15 दिन 1 महीने में अपने सभी जितने भी कंसल्टेंट होते थे सबके साथ बैठता था और उनसे पूछता था कि भाई मैं फलाने दिन गया था, फलानी समस्या आ रही थी, फलाने दिन आ रही थी, फलाने पेशेंट ने ये बात कही थी। उस दिन जो वहाँ चिकित्सालय के CMO या CMS थे उनको तो मैं बता ही देता था। कुछ चीजें जो मैंने देखी, जैसे इंसेफ्लाइटिस का 40 साल से समस्या का समाधान नहीं हो पाया था, 1977 में ये बीमारी चली आ रही थी। जितने हमारे नए चिकित्सक आए हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है 40 साल इनकी उम्र नहीं होगी, जब पैदा नहीं हुए थे, बीमारी उससे पहले आ चुकी थी गोरखपुर में, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद बहुत ज्यादा ये सीजन होता था जब जुलाई से लेकर के नवंबर तक हजारों बच्चों की मौत होती थी। एक शब्द मीडिया में नहीं छपता था क्योंकि वो मरने वाले बच्चे गरीब थे। हम लोगों ने प्रारंभ में शासन से व्यवस्था करके दवा की व्यवस्था करवाई, उपचार की व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्था करवाई, सुविधाएं बढ़ाई, फिर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम वहां प्रारंभ करवाया। आप देख रहे होंगे 2005 से लगातार वैक्सीनेशन होता है JEE का, कुछ परिणाम आए कुछ नहीं आए। एक बात जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमती थी कि अगर हम लोग अब सारे उपाय हो चुके हैं, अंतर विभागीय समन्वय से इसके समाधान का मार्ग निकालें और जनता में जागरूकता पैदा करें, इसके और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और 2017 में जब मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया गया और मैंने सबसे पहले इसी की बैठक ली, और बैठक लेते ही मैंने इस बात को कहा, मैंने यहां पे लगभग 8 विभागों की एक अंतर विभागीय समन्वय समिति गठित की, और समन्वय समिति गठित करने के बाद फिर मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी किस किस विभाग की क्या ड्यूटी है और उसकी हर पक्ष में यानी 15 दिन में आप उसकी समीक्षा करेंगे और एक हर स्तर पर एक कार्यक्रम चलने चाहिए। तब तक स्वच्छ भारत मिशन में हर एक परिवार के पास शौचालय बनने प्रारंभ हो चुके थे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए भी एक विशेष अभियान प्रारंभ हो चुका था, और उपचार के लिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर एक जनपद में पीको और मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई भी आगे बढ़ चुकी थी। हमारे पास एम्बुलेंस का भी एक अच्छा बेड़ा खड़ा हो चुका था, 108 की 102 की, और साथ साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हम लोग तब तक उपलब्ध करवा चुके थे। आपने देखा होगा कितना व्यापक प्रभाव पड़ा, सभी लोगों ने मिल करके जब पूरी ताकत से लगे, इंसेफ्लाइटिस इस समय एकदम समाप्ति के अपने अंतिम उसमें चल रही, जो बीमारी 40 वर्षों में हजारों बच्चों को ले निकलती थी, आज उस बीमारी से एकदम हम उस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने के अंतिम उसमें चल रहे हैं। यानी अब एक दो मामले आ रहे हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम सभी लोग मिलकर के, सभी विभागों के साथ मिलकर के ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़े तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। और मैं बार बार इस बात को गोरखपुर के चिकित्सकों से कहा, मैंने कहा इस पर काम पहले भी हो सकता था, इस पर केवल उपचार तक सीमित न रख करके हमने समय रहते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होता और लोगों को समझाने का प्रयास किया होता कि अपनी दिनचर्या को हमें कैसे रखनी है, खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसे होना चाहिए, स्वच्छता का क्या स्थान होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जल है, लेकिन जल का स्तर क्या है इसको देखने का प्रयास कभी नहीं हुआ। परिणाम क्या होता था कि वह कहीं ना कहीं उसका एक कारक बनता था, जब एक साथ सरकार ने उस पर ध्यान दिया, आज परिणाम बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसीलिए हम हर एक मामले में अपने लिए जो पेशेंट की BST या
रहती है उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, आपके काम आएगा इस सब। और फिर प्रयास होना चाहिए कि साल भर में अपने कार्य और अपने फील्ड से जुड़े हुए क्षेत्र में, क्योंकि आप नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा आएंगे तो आपको उतना अनुभव भी होगा, फिर आपको उसमें अपना रिसर्च पेपर लिखने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आपका यह रिसर्च पेपर ही जब पब्लिकेशन के लिए जाएगा, किसी अच्छे इंटरनेशनल पब्लिकेशन में ये आएगा, तो आपका एक नाम होगा, आपको एक नई ख्याति प्राप्त होगी, आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। और मैं आपका आह्वान करूंगा, आप विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इस फील्ड के, आपको इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है। केवल एक सामान्य प्रैक्टिस करने तक ही सीमित न रहें। पहले तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं चाहूंगा कि हर दिन आप अपना ओपीडी में जरूर बैठें, जिस दिन आपकी ड्यूटी है उस दिन जरूर बैठें। दूसरा, राउंड जरूर लें। मरीज अगर भर्ती है तो अगर आपने भर्ती किया है या आपके किसी सहयोगी ने भर्ती किया है, उस दिन वो नहीं आ पा रहा है, आप हैं, आप जाकर उसका राउंड लेकर के पूछते हैं, हालचाल ले लें, उसके उपचार की व्यवस्था देख लें, कहीं कोई लापरवाही या कोई कमी तो नहीं रह गई है। और फिर अपने इस अनुभव को शेयर भी करें, उस पर एक अच्छे रिसर्च पेपर भी, क्योंकि हम रूटीन के कार्यों को करेंगे और अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पिछड़ जाएंगे, हम वर्तमान प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं टिक पाएंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि आप इस रिसर्च को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि अनुसंधान हमें आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से, जिन्होंने आज 15 BSL-2 की नई लैब्स आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। ये हमें न केवल कोरोना के लिए बल्कि तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज में भी इनकी जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर लोगों को प्राप्त हो पाएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। हम आपके हृदय से सदा ऋणी हैं, आभारी हैं कि आपके जीवन के का प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और हित को संकल्पित है, समर्पित है। ऐसे ही अभिभावक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार हम सब एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अति आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।